हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। और मेरा नाम अनिकेत पाठक है। मैं आज आपके इस लेक्चर की क्लास में पिछले वाले क्लास में जो पेपर सॉल्व करा रहे थे, उस पेपर का जो छूटा हुआ भाग है, आज हम उसको समाप्त कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, तो जो पेपर कोड है वो था 346XS करके, ठीक डियर स्टूडेंट। अब ये जो पेपर कोड का जो खंड यह है, लास्ट वाला जो खंड है, वो आपका जो लास्ट खंड है, ये आपका बचा रह गया था इस पेपर का, प्यारे बच्चों। तो इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस खंड को सॉल्व करने से पहले आपको एक बात बता देते हैं, इस खंड से 4 क्वेश्चन पूछते हैं और हर एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन दिया रहता है, आपको किसी एक क्वेश्चन को ही हल करना रहता है डियर स्टूडेंट। तो इतनी टाइम नहीं है प्यारे बच्चों कि वीडियो लेक्चर के दौरान आपको हर एक सवाल कराया जाए डियर स्टूडेंट। तो आपको इस खंड से 4 प्रश्न करना अनिवार्य रहता है, उन 4 प्रश्नों को हम सॉल्व करा देते हैं। अगर प्यारे बच्चों आपको अगले प्रश्न भी सॉल्व चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर आपको लगाने में दिक्कतें आती हैं तो हम जरूर उसको बता देंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये क्लास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार हर एक स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। तो आइए, और एक क्वेश्चन 5 नंबर के मिलते हैं प्यारे बच्चों, तो प्रयास कीजिएगा कि खंड के सभी प्रश्न आपको आते रहें। चलिए, तो आपका खंड यह है और जो प्रश्नोत्तर है वो प्रश्न आपसे क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, वो प्रश्न आपसे कह रहा है। सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन। और उसके बाद अथवा करके दिया है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने थ्योरी जरा सा पढ़ा होगा तो ये हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत 3 है, ये तीनों सिद्धांत आपको कंप्लीटली आते होंगे प्यारे बच्चों, और आना चाहिए डियर स्टूडेंट। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत 3 है, वो तीनों पॉइंट आपको आने चाहिए। तो सबसे जो पहला पॉइंट उन्होंने बताया था, हाइगेंस ने क्या बताया था, उन्होंने सबसे पहला पॉइंट बताया था कि किसी भी माध्यम में, जब कोई भी माध्यम होता है उसमें जो स्थित तरंगे रहती है, जो स्थित तरंगे रहती है, या कह लिया जाए कि कोई स्रोत ले ले, क्या ले ले प्यारे बच्चों, स्रोत ले ले, कोई बिंदु रूपी स्रोत हो गए, इससे निकलने वाली जो ये माध्यम की जो तरंगे होती है, वो अगर उस पे हम लोग एक ऐसी पृष्ठ खींच दे, एक ऐसी पृष्ठ की कल्पना कर ले जहां पर ये जो तरंग के कण होते हैं वो क्या हो, समान कला में हो, वो पृष्ठ क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला सिद्धांत उन्होंने ये दिया था, क्या उन्होंने दिया था, क्या बताया था, किसी स्रोत से निकलने वाली तरंगों के पर खींची गई एक ऐसी पृष्ठ जहां पर जो माध्यम के जो कण होते हैं वो कंपन की समान कला में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तरंगाग्र कहलाते हैं। अगर स्रोत आपका बिंदु रूपी है तो आपका जो तरंगाग्र होगा गोली तरंगाग्र होगा, अगर स्रोत काफी दूरी पर होता है तो तरंगाग्र क्या होता है, बेलन तरंगाग्र हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, हम उसको लिख नहीं रहे हैं, आप सुन लीजिएगा। फिर इसका दूसरा सिद्धांत क्या होता है प्यारे बच्चों, दूसरा सिद्धांत उन्होंने क्या बताया कि किसी भी स्रोत से निकलने वाली जो ये तरंगे होती हैं वो जो है कि इस माध्यम पे, जैसे ये एक तरंग निकल गई प्यारे बच्चों, तो इस माध्यम में उपस्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करने लगते हैं प्यारे बच्चों। जैसे आपके कहने का मतलब क्या है, ये क्या कह रहे हैं कि माध्यम के कण, माध्यम में उपस्थित जितने प्रत्येक कण रहते हैं ये एक नए तरंग स्रोत की तरह क्या करने लगते हैं, व्यवहार करने लगते हैं। ये इसकी जो है दूसरा सिद्धांत था। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, तीसरा उन्होंने क्या बताया था कि यदि इसी माध्यम पे उपस्थित जो ये कण है, या तरंगाग्र पे उपस्थित जो ये कण है प्यारे बच्चों, अगर इस पे स्पर्श रेखा खींचे तो खींची गई स्पर्श रेखा
तरंगाग्र की दिशा को बताते हैं, यानी बताते हैं कि अगर आप इस पे एक स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये खींची गई स्पर्श रेखा तरंगाग्र की दिशा को बताती है। तो डियर स्टूडेंट, एक बार आप लोग इस थ्योरी को जरूर पढ़िएगा और थ्योरी आपके कंप्लीट हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। अब आपका इसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया है जो कि न्यूमेरिकली पोर्शन है। क्या कह रहा है, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का एक कुंडली प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की सतह पर आपतित होता है, तो निम्नलिखित प्रत्येक की तरंग दैर्घ्य एवं चाल ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एक बार सवाल को फिर से रिपीट करते हैं। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का, तो 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य यानी तरंग दैर्घ्य दिया गया है प्यारे बच्चों, आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य दिया गया है, आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान से समझिएगा, आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। तो प्यारे बच्चों, एंगस्ट्रॉम को हम लोग मीटर में बदल देंगे तो 6000 गुणे क्या हो जाएगा, 10^-10। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1, 2, 3, तो 6×10^3, ये 10^-10, 10 में से 3 घटा दिए तो 6×10^-7 मीटर आ गए। ये लैम्डा का मान आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है। साथ साथ में दे रहा है कि जो एक वर्णी प्रकाश वायु से जिस कांच की सतह पर प्रवेश करता है, जिस कांच की सतह पर पड़ता है, उसका अपवर्तनांक दिया है, अपवर्तनांक दिया है n बराबर 1.5। तो डियर स्टूडेंट, इसमें पूछा है निम्न स्थितियों में क्या पूछा है, तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, क्या क्या ज्ञात करना है, तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है और चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा है, इन्होंने क्या पूछा है प्यारे बच्चों, दो चीज। एक तो पहला स्थिति पूछा है क्या ज्ञात करना है, तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, सॉरी, तरंग दैर्घ्य नहीं, तरंग दैर्घ्य तो दिया है, हाँ, तरंग दैर्घ्य और चाल ज्ञात करना है, तरंग दैर्घ्य और चाल ज्ञात करना है। तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा, ठीक, तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, तरंग दैर्घ्य और चाल ज्ञात कीजिए, ये आपको पुटअप किया है। और किसके लिए, सबसे पहली स्थिति क्या है, आपतित अपवर्तित किरण के लिए। किसके लिए प्यारे बच्चों, अपवर्तित किरण के लिए। और दूसरा क्या है, परावर्तित किरण के लिए। किसके लिए, परावर्तित किरण के लिए। तो डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आइए हम लोग आसानी से सरल लैंग्वेज में इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको एक बात पता होना चाहिए, जो आवृत्ति होती है, सबसे पहले जो प्रकाश की आवृत्ति होती है वो बदलती नहीं है। जो प्रकाश की आवृत्ति पहले रहेगी, यानी पढ़ने से पहले जो आवृत्ति रहेगी, वही आवृत्ति परावर्तित प्रकाश की हो जाएगी, वही आवृत्ति अपरावर्तित यानी अपवर्तित किरण की भी वही हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, केवल तरंग दैर्घ्य और चाल ज्ञात करना है, आइए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात कर लेते हैं, आपतित प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कर लेते हैं, पूछा नहीं है, कैलकुलेट कर लेते हैं आपतित प्रकाश की आवृत्ति। तो प्यारे बच्चों, आवृत्ति का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या होता था, न्यू इक्वल टू सी अपान लैम्डा, और सी का मान 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड, और लैम्डा, लैम्डा का मान है 6×10^-7। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि ये 10^7 ऊपर चला जाए तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ न्यू इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3 से आप कैंसिल कर दीजिए तो 2 आ जाएंगे, तो 1/2, और ऊपर कितने चले गए प्यारे बच्चों, 10^8 हैं,
ये 10^7 हो गए प्यारे बच्चों। अब आप देखिएगा इन्हें भाग देंगे तो 0.5 और ये 8, 7, 15 10^15 ये 0.1 अंक उधर लेके चले गए तो 5 गुणे ये 1 पावर कम हो गए 10^14 हर्ट्ज आ गए, ये आवृत्ति का मान आ गया। डियर स्टूडेंट अब आपसे जो जो क्वेश्चन पुटअप किया है वो आप बता सकते हो प्यारे बच्चों। आपसे इसमें दो चीजें पूछा है, एक अपवर्तित किरण के लिए और एक परावर्तित किरण के लिए। क्या क्या पूछा है प्यारे बच्चों? एक अपवर्तित किरण के लिए, एक परावर्तित किरण के लिए। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग देखते हैं परावर्तित किरण के लिए क्या क्या निकालते हैं। तो सबसे पहले पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट परावर्तित किरण के लिए, परावर्तित किरण के लिए चर्चा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहली बात आपको यहां गौर करना होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों? सबसे पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि जब कोई प्रकाश किरणें, या हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद जो लौटने वाली किरण होती है, ऐसे आप समझिए कि जैसे ये कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराई और टकरा के लौटी, तो ये लौटने वाली किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। तो जो परावर्तित किरण होती है, ये नोट पॉइंट है, आपको ध्यान देना होगा, परावर्तित किरणों की चाल, परावर्तित किरणों की चाल और आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य परिवर्तित नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट जो भी आपतित किरण का रहेगा वही चीज परावर्तित किरण के लिए भी आप लिख सकते हैं। तो आप चाहो तो बता सकते हो, जैसे परावर्तित किरण का तरंग दैर्ध्य क्या पूछा है? परावर्तित किरण का तरंग दैर्ध्य पूछा है ना, तो परावर्तित किरण का तरंग दैर्ध्य जो पहला है वही हो जाएगा आपतित किरण वाला ही, तो 6×10^-7 मीटर। इसी प्रकार परावर्तित किरण का अगर आपको चाल निकालना हुआ तो अब चाल क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों चाल आपने कितना निकाला है? 3×10^8, तो 3×कितना हो जाएगा? 10^8 मीटर प्रति सेकेंड। फिर इसी प्रकार परावर्तित किरण की आवृत्ति निकालनी हुई तो आवृत्ति भी वही आ जाएगा, सेम टू सेम 5×10^14 हर्ट्ज। क्योंकि एक तरीका पता चला है कि जो परावर्तित किरण होता है जिस जितनी आवृत्ति पहले रहेगी वही आवृत्ति बाद में भी हो जाती है। अब आप इसका फर्स्ट पोर्शन हल कीजिए, किसके लिए? अपवर्तित किरण के लिए, अपवर्तित किरण के लिए। तो प्यारे बच्चों आइए अपवर्तित किरण के लिए निकाल लेते हैं, अपवर्तित किरण के लिए। तो प्यारे बच्चों आवृत्ति किसी के लिए नहीं बदलती है, चाहे वो आप परावर्तित हो चाहे अपवर्तित हो, तो आवृत्ति तो वही रहने वाला है सेम टू सेम। चाल और तरंग दैर्ध्य क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों आप एक फार्मूला सीखे थे, क्या पढ़े थे? n=, आपने पढ़ा है अपवर्तनांक बराबर जिसे आप कहते हो n=c/v, सी अपान क्या पढ़े थे? वी पढ़े थे। यही किसके बराबर आप लिख सकते हो? λ/λ' के बराबर भी लिख सकते हो। लेमडा क्या होगा? आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हो जाएगा और λ' क्या हो जाएगा? अपवर्तित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। ये आप लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हो जाएगा, आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लिख सकते हैं आप। और ये जो λ' है वो आप किसके लिए लिख सकते हैं? अपवर्तित, किसके लिए लिख सकते हैं? अपवर्तित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अब आप समझिएगा जरा सा, अब आप इन्हीं से एक एक करके निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। आपको अपवर्तित किरण का चाल निकालना है तो इस फार्मूले से क्या आ जाएगा? n=, आप देखिए चाल ये है, ये इधर जाएंगे, ये यहाँ पर आ जाएंगे, v=c/n यन आ जाएगा। c का मान आप जानते हैं 3×10^8 है और यन कितना है? अपवर्तनांक आपको दिया है 1.5 है। तो डियर स्टूडेंट ये दशमलव काटोगे तो यहाँ 1 लग जाएगा,
पंद्रह इक्के पंद्रह, पंद्रह दुना तीस, यानी v बराबर आ गए 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये किसके लिए हो गया? अपवर्तित किरण की चाल आ गई। डियर स्टूडेंट अब क्या निकालना है? अब चाल निकाल लिए, आवृत्ति वही होगी, तरंग दैर्घ्य निकाल लेते हैं। तो तरंग दैर्घ्य बराबर आपने क्या पढ़ा? यन बराबर आपने पढ़ा है लैम्डा बटे लैम्डा डैश। लैम्डा डैश को इधर कर दीजिए, यन को इधर कर दीजिए, तो लैम्डा डैश बराबर क्या आ जाएगा? लैम्डा बटे यन। अब लैम्डा का मान आप यहां से देख सकते हैं कितना है, 6×10⁻⁷, और यन यन क्या है? 1.5 है। प्यारे बच्चों आप इनको डिवाइड कीजिए, इस पॉइंट को काटे, ऊपर 10 लग गए, 15 के 15, 15 चौके 60, तो लैम्डा डैश का मान आ गया 4×10⁻⁷। तो इस प्रकार आप अपवर्तित किरण का तरंग दैर्घ्य निकाल लिए, अपवर्तित किरण का चाल, अपवर्तित किरण की आवृत्ति जो होगी वही होगी। तो प्यारे बच्चों हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं को सिद्धांत के लिखने के बाद इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे तो आपके पूरे के पूरे जो 5 नंबर हैं वो मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट तो आई होप आपको ये वीडियो ये आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो प्यारे बच्चों। फिर हमको आगे की तरफ बढ़ते, फिर कौन सा है प्रश्नोत्तर संख्या क्या है? 7 है। तो आप लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या क्या है? 7 है। तो डियर स्टूडेंट 7वां नंबर आपसे क्या कह रहा है? इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप पहला भी कर सकते हैं। आप थ्योरी अगर पढ़े होंगे तो 7वें का जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो नियम है वो आपको थ्योरी के दौरान जरूर पढ़ाया गया होगा। बच्चों आइए हम लोग उसके 8वां क्वेश्चन को करते हैं, उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन है, आपको बताने में भी अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आएंगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला उसमें पूछा है द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, और ये यांत्रिक तरंगों तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों से किस प्रकार भिन्न होती है। फिर आगे न्यूमेरिकल दिया गया प्यारे बच्चों। तो सबसे पहली बात आपको इसमें सबसे पहले आपको क्या बताना है, द्रव्य तरंगे क्या होती हैं। तो आप द्रव्य तरंगे हेडिंग बना लीजिएगा और इसको समझिएगा जरा सा प्यारे बच्चों। एक आपके वैज्ञानिक थे, वो कौन से वैज्ञानिक थे प्यारे बच्चों? लुइस दे ब्रोगली वैज्ञानिक थे। क्या थे? दे ब्रोगली, जिसे आप लोग कहते हैं ब्रोगली, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश के 2 प्रकृत होते हैं, प्रकाश कण के रूप में भी चलता है, प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है, उसी प्रकार और कुछ ऐसे कण हैं जो कि उनके 2-2 प्रकृत होते हैं, और जो ऐसे कण जिनके 2 प्रकृत होते हैं वो कण क्या कहलाते हैं? द्रव्य तरंगे कहलाती हैं या कहलाते हैं। प्यारे बच्चों एक बार फिर से समझिएगा, जो लुइस थे, लुइस अपने परिकल्पना के अनुसार बताए कि जिस प्रकार प्रकाश के 2-2 प्रकृत होते हैं, यानी प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है, प्रकाश कण के रूप में भी चलता है, प्रकाश तरंग के भांति व्यवहार करता है, प्रकाश कण के भांति व्यवहार करता है, उसी प्रकार केवल यह गुण प्रकाश में ही नहीं बल्कि कुछ कणों में भी होता है, कुछ कणों में भी होता है। तो वो जो कण होते हैं, ऐसे कण जो कि तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? द्रव्य तरंगे कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे? लुइस दे ब्रोगली के अनुसार, दे ब्रोगली के अनुसार क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? दे ब्रोगली के अनुसार प्रकाश ही केवल तरंग और कण के रूप में नहीं, प्रकाश ही केवल द्वैत प्रकृति का नहीं होता, द्वैत प्रकृति का नहीं होता है, बल्कि होता है, बल्कि क्या लिखेंगे? बल्कि क्या लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों? बल्कि कुछ कण जैसे इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, प्रोटॉन भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन आदि गतिमान। क्या प्यारे बच्चों आप क्या लिख, ठीक प्यारे बच्चों चलिए, आदि क्या हो, आदि गतिमान हूं तू तब के लिए बताए हैं प्यारे बच्चों। द्रव्योगली ने क्या बताया, यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गतिमान हो तो ये भी तरंग और कण के रूप में क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो ये भी द्वैत प्रकृति का व्यवहार करते हैं, द्वैत प्रकृति का व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं। जे स्टूडेंट, इस प्रकार ऐसे तरंगे क्या कहलाती हैं, ऐसे तरंगे द्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इन्हें डी ब्रोगली तरंगे भी कहते हैं। आप लिख सकते हैं डे स्टूडेंट, थोड़ा सा क्लास में खेत चाहते हैं। अरे भाई साहब, इतनी चलो, अब क्या करते हैं डे स्टूडेंट, आगे क्या पूछा है इसमें, आगे आपसे क्वेश्चन पुटअप किया है कि जो आपके द्रव्य तरंगे हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे या यांत्रिक तरंगों से किस प्रकार अलग है प्यारे बच्चों। तो आप यहाँ समझिएगा, तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे, द्रव्य तरंगों के गुण। तो प्यारे बच्चों पहला पॉइंट आप इनको बनाइएगा, जो द्रव्य तरंगे होती हैं उनकी जो तरंग दैर्घ्य होता है प्यारे बच्चों, जो द्रव्य तरंगे होती हैं उनकी जो तरंग दैर्घ्य होता है वो उनके वेग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है प्यारे बच्चों, लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/v, यानी द्रव्य तरंगों का जो तरंग दैर्घ्य है वो द्रव्य तरंगों के वेग के अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर वेग कम रहेगा तो उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा रहेगा, यदि वेग ज़्यादा हो गया तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य लैम्डा द्रव्य तरंगों के वेग के क्या होता है, वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार आप लिख सकते हैं, अर्थात लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/v। ठीक, इसका जो दूसरा गुण होता है, जिस द्रव्य तरंगों का द्रव्यमान जितना अधिक रहेगा उसका तरंग दैर्घ्य उतना कम होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। दूसरा प्रॉपर्टी भी लिखा जा सकता है कि द्रव्य तरंगों का, या लिख सकते हैं द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डियर स्टूडेंट आप इसे लिख सकते हैं, लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/m, यानी द्रव्यमान जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा वो उनका तरंग दर क्या होगा, अधिक होगा प्यारे बच्चों। इसका जो तीसरा गुण है वही आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों से अलग कैसे हैं, ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों लिख सकते हैं यहाँ, जो द्रव्य तरंगे होती हैं वो प्रकृति में विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं, प्रकृति में विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। अब कहोगे कैसे नहीं है, तरंगे नहीं है, आइए इसकी हम व्याख्या करते हैं प्यारे बच्चों। जो द्रव्य तरंगे है ना वो प्रकृति में वास्तव में देखा जाए तो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। कैसे नहीं होती, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो आवेशित कणों से उत्पन्न होते हैं, ध्यान से समझिएगा, आवेशित, वो भी गतिमान आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यहाँ लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, चूंकि ये तरंगे आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती है, बल्कि
बल्कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे गतिमान आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये गतिमान आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होते हैं, आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसको जरा सा समझिएगा इस लाइन को, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि यानी द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो द्रव्य तरंगे होती हैं वो आवेशित कण के द्वारा उत्पन्न होती है, आवेशित कण के द्वारा उत्पन्न होती है, और जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो गतिमान आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न होती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसका जो आंकिक प्रश्न है, इसी में कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा गया है, उसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका न्यूमेरिकल पूछ रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या के कक्षा में 2.2×10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगाता है, तो इस समतुल्य में विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम होते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्या कर रहे हैं, एक नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहे हैं, और जिस नाभिक की त्रिज्या कितनी है 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो इनको बदल दीजिए तो 0.5 एंगस्ट्रॉम को 10⁻¹⁰ मीटर। ठीक प्यारे बच्चों, आप आगे ये आ गए 0.5, ये आर का मान आ गया। अब क्या करें, कितनी चाल से गतिशील है, 2.2×10⁻⁶ कहाँ गए जी, 2.2×10⁻⁶, यानी ये चाल है 2.2×10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड, और कह रहे हैं चक्कर लगा रहे हैं, तो जो धारा उत्पन्न होगी वो ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो एक वृत्ताकार चक्कर लगाता है, तो जो धारा हो जाएगी वो धारा हो जाएगी I बराबर इलेक्ट्रॉन गुणे वेग बटे वृत्त की परिधि 2πr, यानी विद्युत धारा I=eb/2πr हो जाएगा। E का मान आप रख सकते हैं 1.6×10⁻¹⁹, V का मान कितना है 2.2×10⁻⁶, फिर प्यारे बच्चों 2π का मान कितना है 3.14, और R आपको दिया गया है 0.5×10⁻¹⁰। प्यारे बच्चों, आप इनको हल करोगे तो I का मान आपको पूरा हल उल करने के बाद प्यारे बच्चों आपको मान मिल जाएगा 1.112×10⁻³ एम्पियर। कितना प्यारे बच्चों, 1.112×10⁻³ एम्पियर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका हल हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो बच्चे। चलिए प्यारे बच्चों, फिर आपका अगला खंड का क्वेश्चन क्या है, एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, और एम्पियर मैक्सवेल के संशोधित नियम को बताइए, और इसकी सहायता से विस्थापन धारा को परिभाषित कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें भी दो प्रश्न दिए गए हैं, आप उसको भी लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं। तो चाहे जो भी क्वेश्चन आप पुटअप करना चाहते हो या हल करना चाहते हो, जो आपको अच्छे तरीके से आए उसी को लगाइएगा, दोनों मत लगाइएगा। ये मत सोचिएगा कि आधा इसका लगा ले आधा इसको लगा ले तो हमको पूरा नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता आपके साथ प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, चाहे जो आप लगा सकते हैं। तो आप अच्छे तरीके से एम्पियर का परिपथी नियम जानते होंगे, जो अगला सवाल है वो भी आप जानते हैं, वो भी हार्ड नहीं है, तो आपकी इच्छाएं प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग एम्पियर का परिपथी नियम वाले को बता देते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। बच्चों, अगर कहीं भी गाइज अगर दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके इन सवालों को भी लगा देंगे यानी बता देंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं कि एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है। चलिए प्यारे बच्चों, तो आपका क्वेश्चन क्या है, एम्पियर का परिपथी नियम से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं एम्पियर का परिपथी नियम, एम्पियर का परिपथी नियम। तो डियर स्टूडेंट, एम्पियर ने क्या बताया, एम्पियर
वही नियम है, जैसे आप लोग विद्युत संबंधी गॉस का नियम पढ़े थे वैसे ही चुंबकीय संबंधी एम्पियर का नियम है। अब क्या एम्पियर ने बताया था, एम्पियर ने बताया कि यदि आप कोई ऐसा चालक ले लेते हैं, यदि कोई आप एक ऐसा तार ले लेते हैं, ऐसे आप समझिए कि आपने ये कोई तार ले लिए, इस तार में धारा आई प्रवाहित कर दिया डियर स्टूडेंट, और इस जैसे ही इसमें आई धारा प्रवाहित करोगे तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, हमने मान लिया कि ये कोई ऐसे ये चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है जिसको हम लोगों ने किसी एक पथ से या किसी एक पृष्ठ से ढक दिए प्यारे बच्चों। अब क्या होता है, एम्पियर ने बताया कि यदि किसी भी प्रचालक में धारा प्रवाहित करे तो उस चालक में धारा प्रवाहित करने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इस परिपथ से घिरे कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होगा। तो प्यारे बच्चों इनके स्टेटमेंट को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, थोड़ी सी आंख में प्रॉब्लम है, चलिए तब भी आपके क्लास को पूरा करेंगे बच्चों। क्या है लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी बंद परिपथ के अनुदिश, किसी बंद परिपथ के अनुदिश अनुदिश उत्पन्न उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, का रेखीय समाकलन, ठीक रेखीय समाकलन बंद परिपथ से, बंद परिपथ से घिरे धारा का म्यू नॉट गुना होता है, घिरे धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो डियर स्टूडेंट आप इसको गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं, रेखीय समाकलन बी इंटू डी एल इक्वल टू का आगे म्यू नॉट आई, किसी बंद परिपथ, ये क्लोज्ड परिपथ सी आप लगा सकते हो, कोई भी एक अचर ले लिए, तो किसी बंद परिपथ से अनुदिश जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी है इसका रेखीय समाकलन, ये समाकलन का निशान रेखीय समाकलन, उस परिपथ से घिरी धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। तो ये आपका एम्पियर का परिपथी नियम तैयार हो गए प्यारे बच्चों। अब आप क्या करेंगे, आप इनका डेरिवेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक पक्ष को उठाइए तो हम क्या करते हैं इसका ये पक्ष हल करते हैं। तो ये पक्ष क्या है प्यारे बच्चों, ये लिखिएगा, आप अगर डायरेक्ट हल करना चाहते हैं, माना कोई चालक है, ये लिख लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, माना कोई चालक है, माना ऐसे लिख लीजिएगा, माना कोई चालक है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और उसके बाद अच्छा लिख देते आप लोग नहीं दिक्कत होगी, माना कोई चालक है, माना कोई चालक है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। अब कहोगे वो चालक है कहाँ, ये आप चालक यहाँ बना लीजिए प्यारे बच्चों, ये कोई चालक हो गया जिसमें आपने आई एम्पियर की धारा प्रवाहित कर ली, और इससे कुछ मीटर की दूरी पे ये बंद परिपथ बना लिए, और इससे आर मीटर की दूरी पर, इसके केंद्र ओ से आर मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ओ, चुंबकीय क्षेत्र क्या है बी है। तो प्यारे बच्चों ऐसे लिखिएगा, क्या लिखेंगे, प्रवाहित धारा आई धारा प्रवाहित हो रही है, फिर अब हो रही है, ठीक आई, फिर उसके बाद क्या करते हैं, तार से आर मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी का मान, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी का मान, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा है
किसी भी वृत्ताकार कुंडली के कारण वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आप फार्मूला पढ़े होंगे म्यू जीरो आई अपान क्या पढ़े थे टू पाई आर, तो ये हो जाएगा म्यू जीरो आई अपान टू पाई आर इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो प्यारे बच्चों आप इसे समीकरण नंबर क्या बना लोगे, एक बना लोगे। अब क्या करोगे, अब आइए हम लोग इसको हल करते हैं, किसी एक पक्ष को हल करते हैं। तो क्या होगा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ये लिखते हैं, तो ये आप बना लीजिएगा चाहे लिख लीजिएगा एम्पियर के परिपथ नियम के बाएं पक्ष को हल करने पर, ये आपका दाहिना ये क्या है बायां पक्ष। तो समीकरण नंबर दो, ये समीकरण नंबर एक, तो समीकरण एक का बायां पक्ष हल करने पर, बायां पक्ष हल करने पर, तो प्यारे बच्चों बायां पक्ष क्या है, इंटीग्रेशन सी बी इंटू कितना है डीएल है, तो प्यारे बच्चों बी इंटू डीएल, अब बताओ ये बी इंटू डीएल है, इसको हम लोग अब हटाएंगे सदिश फॉर्म से हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं सी बी इंटू डीएल इंटू कितना हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये सदिश से किस फॉर्म में आ गए अदिश फॉर्म में आ गए प्यारे बच्चों। तो जिनका समाकलन नहीं होगा उनको हम क्या कर देंगे बाहर, तो बी को बाहर कर देते हैं और यहाँ जो थीटा है वो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो जो थीटा है ये चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण है वो कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ बी बाहर हुआ कॉस थीटा, कॉस 90 अंश का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आप चाहे तो कॉस 90 रख दीजिए, और आप जानते होंगे कॉस 90 अंश का मान कितना होता है प्यारे बच्चों 1 होता है, तो रख देंगे तो कॉस 90 अंश का मान 1 आ जाएगा, तो बी इंटू कितना आ गया डीएल, और जो ये डीएल है वो क्या है वृत्त की परिधि है जिसका समाकलन क्या होगा 2 पाई आर, तो आप यहाँ रख सकते हैं। तो क्या रख देंगे प्यारे बच्चों, अब क्या आएगा आपका इंटीग्रेशन बी इंटू कितना आ जाएगा डीएल बराबर बी इंटू कितना आ जाएगा बी इंटू 2 पाई आर, ये हो गए प्यारे बच्चों। अब आप यहाँ से बी का मान रख सकते हो समीकरण दो से, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण दो से बी का मान रखने पर, तो प्यारे बच्चों बी का मान रखा जाए, तो बी का मान रखते हैं, तो आइए बी का मान कितना है म्यू जीरो आई अपान टू पाई आर, तो म्यू जीरो आई अपान टू पाई आर है इंटू टू पाई आर, तो ये कैंसिल हो गए। अब आपके सामने क्या बचा रेखीय समाकलन बी इंटू डी एल इक्वल टू कितना आ गया म्यू नाट आई, तो यही तो एम्पियर का परिपथी नियम है, ये देखिए आपने सस्ते लैंग्वेज में प्रूफ कर लिए प्यारे बच्चों, कहीं नहीं भटकना है, 2-3 लाइन में एम्पियर का परिपथी नियम क्लियर हो गया आपके। अब आपको यही क्वेश्चन आपका समाप्त नहीं हुआ है डियर स्टूडेंट, इसी में क्वेश्चन और पुटअप किए हैं, क्या पुटअप किए हैं उसको भी देख लीजिएगा। बोल रहे हैं कि जो एम्पियर के नियम को मैक्सवेल संशोधित किए थे उसके आधार पे आप विस्थापन धारा को परिभाषित कीजिए, तो भाई साहब विस्थापन धारा को परिभाषित कीजिए ना, तो उन्होंने अब आप एम्पियर का परिपथी नियम देख लिए ठीक। अब जब मैक्सवेल ने इनको सुधार किए तो मैक्सवेल ने क्या बताया, मैक्सवेल ने बताया कि एम्पियर भाई साहब बता के गए कि किसी बंद परिपथ के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो उस परिपथ से घिरे धारा आई के म्यू नॉट गुना होता है, पर मैक्सवेल ने संशोधित करके बताया, मैक्सवेल ने यह बताया कि किसी भी जो चालक होता है उस चालक में अगर आप धारा प्रवाहित करते हो तो धारा प्रवाहित करने के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, पर वो चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, ये उन्होंने बताया था, वो चुंबकीय क्षेत्र धारा के चलते नहीं उत्पन्न होता, बल्कि अगर धारा परिवर्ती है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, ये इन्होंने बताया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने क्या बताया था प्यारे बच्चों फिर से एक बार सुनिएगा, एम्पियर ने बताया कि यदि किसी चालक में हम आई धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और पर मैक्सवेल ने क्या बताया, मैक्सवेल ने बताया कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित करे तो धारा प्रवाहित करने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो धारा के कारण नहीं उत्पन्न हो रहा है, परिवर्ती धारा के कारण परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण धारा उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस समय जो, और अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन करें यानी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो धारा उत्पन्न होती है वो धारा क्या कहलाती है विस्थापन धारा कहलाती है। अगर आप डियर स्टूडेंट लिखना चाहते हो
और एक बात और जान लीजिएगा, ये धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता रहता है। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे आप, परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो धारा उत्पन्न होती है वो धारा विस्थापन धारा कहलाती है। वो धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार आपका जो ये जो नियम आया, ये नियम मैक्सवेल का संशोधित नियम कहलाया प्यारे बच्चों। तो आपका ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लिखना चाहते हो प्यारे बच्चों तो बोल देते हैं, आप लिख सकते हैं ठीक, और फिलहाल समझ गए होंगे तो आप लिख लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, इस खंड का लास्ट क्वेश्चन है ठीक प्यारे बच्चों, आज ये आपका मॉडल पेपर भी समाप्त हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेखित कीजिए, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण का उल्लेख कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये पूरा थ्योरी पोर्शन है, आप इसे लगा सकते हैं, इसे आपने पढ़ा होगा तो अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। हम इसके अगले पोर्शन को हल कर लेते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणों के नियम का उल्लेख कीजिए। तो प्यारे बच्चों फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बताना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स के साथ कुछ समीकरण दिए गए हैं जो परिवर्तित होते हैं, फिर आगे कह रहा है कि ये कुछ चीज़ें दिए गए हैं प्यारे बच्चों जो कि आपको ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट ये एकदम इजीली क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उल्लेख कीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट इस खंड का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं प्यारे बच्चों। एकदम इजी वाला क्वेश्चन पूछा है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताना है। तो प्यारे बच्चों फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम दो ठो हैं, सबसे प्रथम नियम को समझते हैं, या कुछ लोग इन दोनों को एक ही में लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। प्रथम नियम क्या है फैराडे का, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम क्या है, उन्होंने बताया कि जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तन के बाद जो है उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और ये विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न होता रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। बस यही उन्होंने बताया। क्या बताया प्यारे बच्चों, सिंपल सा नियम है, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, बल उत्पन्न हो जाता है ठीक, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यह तब तक रहता है, यह तब तक प्रेरित होता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ये है डियर स्टूडेंट ठीक। ये दूसरा नियम आ जाइए, अब दूसरा नियम क्या बताया, दूसरा नियम उन्होंने बताया प्यारे बच्चों कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के
परिवर्तन के समानुपाती होता है, परिवर्तन के समानुपाती होता है, या परिवर्तन के ऐसे लिख सकते हो, परिवर्तन के ऋणात्मक दर के, ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो डियर स्टूडेंट, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई प्रोपोर्शनल क्या हो गए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर यानी डी फाई अपान डी टी माइनस ऋणात्मक दर। ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस ये बताता है प्यारे बच्चों कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ये चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के, परिवर्तन का विरोध करता है, ये प्रयास करता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ना हो, तो ऋणात्मक इसलिए लगाया गया। ऋण चिन्ह क्या बता रहा है कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है ये चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध कर रहा है, ये ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है। इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, एक नियतांक लगा देंगे, तो माइनस को आगे कर लेते हैं, डी फाई अपान डी टी। के क्या है प्यारे बच्चों, अनुपमानुपाती नियतांक है। यदि के बराबर आप एक रख दोगे तो ई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस डी फाई अपान डी टी। इसे आप न्यूमैन का नियम भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आपके फैराडे का नियम कंप्लीट हो जाता है। इसी में कुछ पोर्शन आप न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो आइए उनको भी सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों। न्यूमेरिकल क्या पूछा गया डियर स्टूडेंट, आपको समीकरण दी गई है, वो समीकरण क्या है, फाई बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। इसी में कहा है चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण दिया है फाई बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। फिर इसी में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है ए बी सी का मात्रक, ए बी सी का मात्रक, पहला प्रश्न पूछा है ए बी सी का मात्रक ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है डियर स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन पूछा है यदि ए बराबर 0.3 हो, ए बराबर 0.3 हो, बी बराबर क्या हो प्यारे बच्चों, बी बराबर 0.6 हो, 0.6 हो, और सी बराबर 0.8 हो, तो टी बराबर 2 सेकेंड पर, टी बराबर 2 सेकेंड पर विद्युत वाहक बल ई का मान ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल ई का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग सवाल को हल करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला ए बी सी का मात्रक, ये तो आपने कक्षा 11 में ही पढ़ा होगा कि जो बीमा का नियम था वहां पर, जो कोई भी समीकरण का बीमा निकालना रहता है तो ये जो लेफ्ट वाला पद होता है ये एक एक पद के बराबर होगा, फाई इसके बराबर, फाई इसके बराबर, फाई इसके बराबर। तो यहाँ हम लोग पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, तो फाई बराबर लिख देंगे ए टी स्क्वायर। आपको ए की बीमा चाहिए तो टी को इधर कर दीजिए, तो फाई अपान क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर ए। मात्रक पूछा है तो फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बेबर, क्या हो जाएगा, बेबर। और टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर क्या है, सेकंड का स्क्वायर, यानी ए का जो मात्रक आ जाएगा वो बेबर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार आपको बी का मात्रक चाहिए तो बी का मात्रक क्या हो जाएगा, फाई बराबर आपने बी टी कर देना है, फाई को बी टी के बराबर, बी इधर आ जाएगा तो फाई अपान बी आ जाएगा बराबर, सॉरी फाई अपान टी बराबर बी। अब फाई का मात्रक क्या है, बेबर है, क्या है, बेबर है, और टी का मात्रक क्या है, सेकंड। तो बेबर प्रति सेकंड ये किसके मात्रक आ गए, बी के मात्रक आ गए, किसके मात्रक आ गए प्यारे बच्चे, बी के मात्रक। इसी प्रकार आप इसका क्या निकाल सकते हो, सी का मात्रक, तो फाई बराबर क्या है, फाई बराबर लिख देंगे सी, और फाई का मात्रक क्या है, बेबर, तो सी का भी मात्रक क्या हो जाएगा, बेबर हो जाएगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन था ये आपका ये कंप्लीट हो गया। इसी में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा है प्यारे बच्चों कि यदि ए बराबर इतना हो, एक पार्ट हम लोग मूव कर लेते हैं आप ये चले, तो इसी में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है यदि ए बराबर इतना हो बी बराबर इतना, तो आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। तो आपने प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर अभी पढ़ा था डी फाई अपान डी टी, ये देखिए, तो माइनस अब डी अपान डी टी लिख ले और इस फाई का मान रख दे, इस फाई का मान डी अपान डी टी अलग कर लिए, फाई का मान, तो फाई का मान कितना है प्यारे बच्चों, फाई बराबर है ए टी स्क्वायर, क्या है ए टी स्क्वायर, प्लस कितना है बी टी है, प्लस क्या है सी है प्यारे बच्चों। अब टी के सापेक्ष इसका आकलन करना है,
तो ध्यान से समझिएगा, आप नॉर्मल सा इसका आकलन करना है प्यारे बच्चों, x के पावर n से करना है, n x के पावर n माइनस वन होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ दो है, इसका समाकलन आकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, दो दो आगे आ जाएगा, दो में से एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, दो ए टी, या ऐसे लिख सकते हो a गुणे दो टी आ जाएगा प्यारे बच्चों। फिर b बाहर हो जाएगा तो t का आकलन यहाँ एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक, यानी 2at, इसे आप ऐसे लिख सकते हो 2at प्लस क्या हो जाएगा b, और इसमें c नहीं लगा तो इसका आकलन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आ गए इक्वल टू प्यारे बच्चों माइनस दो गुड़े। अब a का मान आप देख लीजिए 0.3 है, इंटू t का मान कितना है, दो है, प्लस b का मान कितना है, 0.6 है। अब दो त्याई छः, ठीक प्यारे बच्चों, तो 0.6 कितने हो जाएंगे, छः, यानी माइनस दो गुड़े 0.6 और प्लस कितना है, 0.6। तो प्यारे बच्चों आप आसानी से इनको हल कर सकते हैं, देखिए क्या है, दोनों में आपको 0.6 कॉमन दिखाई पड़ रहा है, जैसे ही 0.6 कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस दो और यहाँ कुछ नहीं तो एक बच जाएगा, और माइनस दो में से एक घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.6 गुड़े माइनस एक बराबर माइनस 0.6, ये ई आ गए प्यारे बच्चों। यही आपके साथ उम्मीद करते होंगे प्यारे बच्चों कि आंसर भी आया होगा। तो प्यारे बच्चों तो शायद एक चीज में आपने गलती कर दी है प्यारे बच्चों हल करने में, यहाँ से थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, आप इनको हल कीजिएगा। तो देखिए 2at, a का मान 0.3 है, फिर t का मान 2 है, आप इनको हल गुणा किए तो दो त्याई कितने हो गए, 6, तो ऐसे कीजिएगा, दो दुनी चार कितने हो गए प्यारे बच्चों, दो दुनी चार और चार त्याई 12, यानी 1.2 आ जाएंगे प्यारे बच्चों। इनको मल्टीप्लाई किए 1.2 और उनको किए 0.6, घटा दोगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, 0.6 वोल्ट आ जाएंगे, ठीक प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा, इनको घटा के देखिए 1.2 में से 0.6 घटाइए तो 12 में से 6 घटेगा तो 6 आ जाएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ 0.6, यानी कितना आ जाएगा, लगभग 0.6 वोल्ट आएगा ये माइनस में। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका जो आज का ये 346XS पेपर का कोड चल रहा था, जो सीरीज चालू की गई थी, आज ये पेपर आपके समाप्त हो गए प्यारे बच्चों। अब हम लोग अगले वीडियो क्लास में अगले पेपर कोड को देखेंगे वो क्या होता है, और डियर स्टूडेंट आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आप लोग का काम क्या है प्यारे बच्चों, इस क्लास को जितना हो सके उतना ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए प्यारे बच्चों, और वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिए प्यारे बच्चों, अगर क्लास जमते हैं लाइक आपको पसंद आते हैं तो लाइक कर दिया करें, और आई होप कि आज का लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा प्यारे बच्चों, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद प्यारे बच्चों।